आई गाइज़ वेलकम बैक टू आई एम अकेडमी एंड टूडे इन दिस वीडियो वी आर डूइंग द लास्ट पार्ट ऑफ द अदर फॉर्म्स ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्स इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व करेंगे ठीक है और उसके बाद जो है वो ये अदर फॉर्म्स ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन जो है वो फिनिश हो जाएगा चैप्टर ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व जो है मैंने वो मैंने इसलिए सेपरेटली उसके ऊपर वीडियो बनाई क्योंकि वो लेंथ ही था तो लेंथ की वजह से वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंथ में वो कहते थे ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ अ व्हीकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो द स्क्वायर ऑफ इट्स स्पीड ठीक है ब्रेकिंग सिस्टम ठीक है जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके स्क्वायर ऑफ उसकी स्पीड के व्हीकल की ठीक है अब सबसे पहले आपने इनकी कोई भी वेरिएबल सपोज करने ठीक है जैसे कि हम ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है व्हीकल का जो आपका है ब्रेकिंग डिस्टेंस ठीक है इसको हम जो है वो सपोज कर लेते हैं डी ठीक है ये जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो हमारा डी है ठीक है और uh, जो स्पीड ऑफ व्हीकल है ठीक है उसको हम बी स्प सपोज कर लेते हैं ठीक है कि स्पीड जो है वो हम बी सपोज कर लेते हैं कुछ भी आप सपोज कर सकते हैं ठीक है तो उसके बाद उन्होंने उसने ना क्वेश्चन के अंदर इसकी आ, वो दी हुई है फॉर्म्स दी हुई है कि व्हेन द स्पीड ऑफ व्हीकल इज बी मीटर पर सेकंड एंड इट्स ब्रेकिंग सिस्टम इज डी मीटर तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो स्पीड है बी वो उसने कितनी दी हुई है वो उसने दी हुई है जी बी मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ व्हीकल बी ये स्मॉल बी बी मीटर पर सेकेंड दी हुई है और उसने जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है वो उसने दिया हुआ है जी डी मीटर ठीक है तो वो कहता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ठीक है तो सबसे पहले तो आप इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्रिएट कर लें ठीक है फॉर्मूला क्रिएट वो करना आसान है क्या है कि ब्रेकिंग डिस्टेंस है स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो d इज इक्वल्स टू k v स्क्वायर ठीक है b का स्क्वायर लगेगा क्योंकि उन्होंने कहा है क्या है कि द ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ द व्हीकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स स्पीड ठीक है तो ऊपर हम स्क्वायर लगाएंगे क्योंकि उसने खुद क्वेश्चन के अंदर बोला है ठीक है तो अब हमने जो है आ, k की वैल्यू निकालनी है ये b की जो वैल्यू दी हुई है आ, बी uh, मीटर पर स्क्वायर और डी की वैल्यू दी हुई है डी मीटर्स तो इनकी हम सबसे पहले जो है ना उस इसकी हेल्प से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं ठीक है तो जो डिस्टेंस है उसकी जगह हम स्मॉल डी लगा देंगे जो उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है के की जगह के ही रहेगा और बी की जगह स्मॉल बी का स्क्वायर ठीक है तो के इज़ इक्वल्स टू क्या होगा के इज इक्वल्स टू आ जाएगा डी ओवर बी का, का स्क्वायर, ठीक है तो ये तो अब हमारा हो गया के ठीक है और इस के से अब जो हमारा नया फॉर्मूला वो बनेगा वो क्या बनेगा डी इज इक्वल्स टू डी ओवर बी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी का स्क्वायर ठीक है ये अब हमारा फार्मूला बन गया क्योंकि के जो हमने फाइंड किया था उसकी जगह हमने के लगा दी है ठीक है अब वो कहता है कि अब उसने अचानक से क्वेश्चन की पूरा फॉर्मेट चेंज किया है फॉर्मेट चेंज करके वो कहता है कि इफ़ द स्पीड ऑफ व्हीकल इज इंक्रीज बाय टू हंड्रेड परसेंट फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स ब्रेकिंग डिस्टेंस ठीक है अगर वो कहता है कि स्पीड दो सौ परसेंट बढ़ गई है तो इसके ब्रेकिंग डिस्टेंस uh, को आपने फाइंड करना है उसमें कितना फ़र्क है तो सबसे पहले तो हम हमें स्पीड निकालनी पड़ेगी क्योंकि देखो अब हम स्पीड किस तरह निकालेंगे ये हमारी स्पीड थी बी उसको इक्वल हम रखेंगे हंड्रेड परसेंट हमारे पास पहले थी प्लस टू हंड्रेड परसेंट हो गया जो इंक्रीज हुई ठीक है और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी स्पीड उन्होंने हमें दी हुई थी बी मीटर पर सेकंड, ठीक है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है तो ये हमारे पास सॉल्व करके क्या आता है थ्री बी ठीक है अब खुद भी सॉल्व कर लेंगे ना तो इसका आंसर आएगा थ्री बी ठीक है तो अब देखें बी के इक्वल हमारे पास क्या आ गया थ्री बी और जब हमें थ्री बी दिया गया है, तो इससे अब हमने डिस्टेंस निकालना है जो उसने हमें क्वेश्चन के अंदर फाइंड किया है तो पहले फार्मूला लगाते हैं डी इज इक्वल टू d ओवर बी स्क्वायर ठीक है और यहाँ पे जो बी है ना ये वाला जो बी है फार्मूले का इसकी जगह मैं ये थ्री बी लगा रहा हूँ क्योंकि मैंने बी की वैल्यू फाइंड कर ली है ठीक है फाइंड करने के बाद आपने सिर्फ क्या करना है इसको सॉल्व करना है ठीक है और तो इसको सिंपली आपने सॉल्व करना है अच्छा दूसरी तो बात यह कि थ्री बी के ऊपर स्क्वायर भी लगेगा क्योंकि इस बी की जगह मैंने थ्री बी लगाया तो थ्री बी ये होल स्क्वायर लगेगा ठीक है तो ये हमारे पास जब सॉल्व होगा ना तो वो आ जाएगा डी ओवर बी इज इक्वल्स टू नाइन बी क्योंकि थ्री के ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है और बी दोनों के ऊपर स्क्वायर लगे हुए तो थ्री थ्री तो नाइन हो गया और बी के ऊपर स्क्वायर तो बी आ गया ठीक है अब बी स्क्वायर को आपने बी स्क्वायर से डिवाइड कर देना पीछे आपके पास जो है वो नाइन मल्टीप्लाई बाय डी हो जाएगा ये इससे कट गया और नाइन मल्टीप्लाई बाई डी तो ये इज इक्वल्स टू क्या आ गया नाइन डी ठीक है जो आपके पास डिस्टेंस आया वो है नाइन डी मगर उसने ये नहीं पूछा कि आपके पास डिस्टेंस कितना आया उसने पूछा परसेंटेज इंक्रीज कितनी आई ठीक है तो आपने क्या करना है नाइन डी जो एक ऑलरेडी इंक्रीज डिस्टेंस था उसमें से ओरिजिनल डिस्टेंस को माइनस करना है जो कि डी था ठीक है और उसको डिवाइड कर देना ओरिजिनल डिस्टेंस से ठीक है और परसेंटेज निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देना हंड्रेड परसेंट से क्योंकि उन्होंने हमसे क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज भी पूछी है उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा एट हंड्रेड परसेंट ठीक है तो इसका मतलब ये कि जो उनका जो डिस्टेंस है वो एट हंड्रेड परसेंट से इंक्रीज़ हुआ है ठीक है तो ये आपका क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व था ठीक है और इसके साथ साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन इसके अंदर ख़त्म हो गई ठीक है अब नेक्स्ट टॉपिक है इन्वर्स प्रोपोर्शन इस वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल